माजी की तरह क्लीन एंड ग्रीन देखना चाहते हैं। कब्जा और तजावजात किसी सूरत काबिले बर्दाश्त नहीं। कराची सर्कुलर रेलवे और ट्राम की बहाली का काम तेज करने की हिदायत। कराची में तजावजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। बंस रोड की गलियों में गैर कानूनी दुकानें और पथारे गिरा दिए गए। PCHS में रात गए तजावजात नस्मा। डालमिया रोड पर भी होटल्स और दुकानों के आगे भी मशीनें चल गईं। ग्रीन बैग पर कायम तमाम होटल्स गिरा दिए गए। सिंध हुकूमत का बानी MQM और अहले खाना का नाम हटाने का हुक्म। सड़कों, पार्क्स, तालीमी इदारों और डिस्पेंसरी सब से नाम हटाएं। सिंध हुकूमत का महकमा सेहत, तालीम और बल्दियाती हुकाम को खत। वज़ीर आज़म को सर्दी में फुटपाथ पर रात गुजारने वालों की फिक्र। वज़ीर आला पंजाब को हिदायत की, शेल्टर हाउस बनने में वक्त लगेगा। ऐसे अफराद जो सड़कों पर हैं उन्हें खैमों में बसाया जाए। फुटपाथ पर सोने वालों का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। ट्वीट में लिखा, पेशावर और कराची में भी मकामात का इंतखाब किया जा रहा है। कराची में चीनी कांसर खाने पर हमले का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी कत्ल और इकदाम कत्ल की दिफात शामिल। मुकदमे में तीनों हालात दहशतगर्दों को नामजद किया गया है। तफ्तीश की कड़ियां भारत जा पहुंची। मास्टरमाइंड कलदम तंजीम का कमांडर असलम अच्छू दिल्ली के अस्पताल में जेर इलाज है। वजीर आला सिंध से चीनी सफीर की मुलाकात। चीनी सफीर ने हमला नाकाम बनाने पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। कौमी एयरलाइन ने लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्ला को क्लीन चिट दे दी। सेनेट की कायमा कमेटी को PIA का जवाब मौसूल। मुशाहिदुल्ला पर लगाए गए इल्जाम में कोई हकीकत नहीं। उनके कहने पर भाई को मुलाजमत नहीं दी गई। वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का इल्जाम, मुशाहिदुल्ला ने PIA को तबाह किया। PIA में पूरा खानदान भर्ती कराया था। उन्होंने PIA को तबाह किया है, उन्होंने उनका खानदान जो है वहाँ पे हुआ है। इस तरह से जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर जब आप उनसे सिर्फ ये पूछें कि पाकिस्तान में अरबहा रुपया आपकी गवर्नमेंट्स, जब आप गवर्नमेंट्स में थे आपने लगाया है, वो पैसे किधर गए हैं, उस पे वो नाराज़ हैं।